हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 3 फिलिप लूजेस एवरीथिंग पढ़ेंगे। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फिलिप हैड ट्रबल होल्डिंग ऑन टू थिंग्स। हिज पेरेंट्स आर ऑलवेज गेटिंग एंग्री विद हिम फॉर लूजिंग हिज क्लोथ्स और हिज टॉयज और हिज होमवर्क। फिलिप हमेशा परेशान रहता था क्योंकि वो कभी अपनी चीज़ों को संभाल करके रख ही नहीं पाता था। उसको बड़ी मुश्किल होती थी अपनी चीज़ों को संभाल के रखने के लिए। उसके पेरेंट्स हमेशा उससे नाराज़ रहते थे, हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करते थे क्योंकि वो कभी अपने कपड़े खो देता था, कभी अपने टॉयज़ खो देता था और कभी कभी तो उसका होमवर्क ही खो जाता था। दे डिड नॉट रियलाइज दैट इट रियली वॉज़न्ट फिलिप्स फॉल्ट। हिज थिंग्स एक्चुअली लाइक टू रन अवे फ्रॉम हिम। अब जो उसके घर वाले थे उनको ये नहीं समझ में आता था कि वो एक्चुअली में फ़िलिप की गलती नहीं थी। फिलिप कोई भी सामान अपने खुद की लापरवाही से नहीं खोता था, ये तो उसकी चीज़ें थी जो उसके पास रहना ही नहीं चाहती थी और इसीलिए वो सारी चीज़ें उससे दूर भाग जाती थी। व्हेन फिलिप वॉज टू हिज ब्लैंकेट ग्रू लेग्स एंड रैन आउट ऑफ द हाउस। जब फिलिप 2 साल का था तो उसका कंबल में, उसका जो ब्लैंकेट था, कंबल था, उसमें पैर आ गए और जब उसके कंबल में पैर आ गए तो वो कंबल घर से बाहर भाग गया। हिज मदर एंड फादर वर नॉट वेरी हैप्पी। जब उसके मम्मी पापा को ये पता चला कि फिलिप ने ब्लैंकेट खो दिया है तो वो बड़े नाराज़ हुए। दे थॉट दैट इट वॉज हिज फॉल्ट। और उसके मम्मी पापा ने ये सोचा कि ये सारी गलती तो फिलिप की है क्योंकि फिलिप ही अपना सामान जो है संभाल के नहीं रखता है और उसके सारा सामान जो है खो जाते हैं। व्हेन फिलिप वॉज 3 ही लव्ड प्लेइंग विद हिज टॉय एयरप्लेन। जब फिलिप 3 साल का था तो फिलिप को बड़ा मज़ा आता था अपने टॉय एयरप्लेन के साथ खेलने में। वन डे इट फ्लू राइट ऑफ द शेल्फ एंड आउट द विंडो ऑल बाय इटसेल्फ। एक दिन वो जो एयरप्लेन था वो अपने आप शेल्फ के पास पहुँचा और वहीं से विंडो से बाहर खुद से ही उड़ के चला गया। Somehow Philip got blamed again। और इसमें फिलिप की तो कोई गलती थी नहीं, एयरप्लेन तो खुद से चला गया था, पर फिर भी बेचारा जो फिलिप था उसी के ऊपर ब्लेम आया कि तुमने ही अपना सामान खो दिया। यू नीड टू लर्न हाउ टू टेक बेटर केयर ऑफ योर टॉयज हिज पेरेंट्स है। और उसके मम्मी पापा ने उसको बोला कि तुम्हें अपने सामान को, कोई भी चीज़ों को, कोई भी टॉय को संभाल के खुद से रखना होगा और उसकी देखभाल करनी सीखनी होगी। अ ईयर लेटर फिलिप हैड 12 पेयर ऑफ सॉक्स रन अवे फ्रॉम हिम। ऑब्वियसली दे वर स्मार्ट एंड हैड प्लान देयर एस्केप वेल बिकॉज फिलिप नेवर फिगर्ड आउट हाउ दे डिड इट। अब 1 साल बाद फिलिप के पास 12 जोड़ी सॉक्स थे। कितने जोड़ी? 12 पेयर ऑफ सॉक्स थे जो कि खुद ब खुद अपने आप भाग गए। अब सारी चीज़ों में फिलिप के तो पैर आ जाते थे और वो सब भाग जाते थे। अब क्योंकि सॉक्स भी बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने बड़े ही स्मार्ट तरीके से अपना एस्केप, अपना भागने का तरीका सोच लिया था और वो अपने आप से ड्रॉर से निकल के भाग गए थे और जो फिलिप था वो सारी चीज़ें जान ही नहीं पाया था। और फिर मतलब इस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ें प्लान करी कि फिलिप को पता ही ना चल पाए कि वो किस तरह से भागे। व्हेन हिज मदर वेंट टू बाय हिम मोर सॉक्स शी आस्क्ड व्हाट काइंड ही वॉन्टेड। जब एक बार फिलिप की मदर मार्केट गई सॉक्स खरीदने के लिए तो उन्होंने फिलिप से पूछा कि किस तरह की सॉक्स तुम्हें चाहिए। द काइंड ऑफ सॉक्स दैट कैन नॉट क्लाइंब आउट ऑफ सॉक ड्रॉर ही सेड। शी थॉट ही वॉज जोकिंग। फिलिप की मम्मी ने उससे पूछा था कि तुम्हें किस तरह की सॉक्स चाहिए तो फिलिप ने कहा था इस तरह की सॉक्स जो कि ड्रॉर से बाहर निकल के ना भाग पाए। और उसकी मम्मी को लगा था कि वो सारी बातें जो हैं जोक में कह रहे हैं। Whenever Philip did his homework, he had to hold the paper down. If he let it go for 1 second, it would run off the desk and try to go outside by sliding under the front door. जब भी फिलिप होमवर्क भी कर रहा होता था अपना तो उसको पेपर को बड़े उसे होल्ड करके रखना पड़ता था पेपर को। अगर वो 1 सेकंड के लिए भी पेपर को छोड़ देता था तो जो पेपर होता था होमवर्क वाला वो डेस्क से नीचे उतर के और दरवाजे के नीचे से स्लाइड करके घर से बाहर चला जाता था। इफ़ यू थॉट फिलिप्स पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हिज एक्सप्लेनेशन यू शुड हैव सीन हिज टीचर्स रिएक्शन। अगर आपको लगता है कि फिलिप के पेरेंट्स को ये जो एक्सप्लेनेशन था उसके होमवर्क ना करने का, या उसने जो होमवर्क किया उसका होमवर्क घर से बाहर निकल के भाग गया, ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था ये एक्सप्लेनेशन, तो सोचो उसके टीचर्स को कैसा लगता रहा होगा ये एक्सप्लेनेशन। अब आप ही बताइए, अगर आप कोई होमवर्क नहीं करते हैं या करना भूल जाते हैं या घर से कॉपी नहीं लेकर के जाते हैं तो आप अपने टीचर को बताते हैं मैम आज मैं होमवर्क कर नहीं पाया या फिर मैम मेरी कॉपी घर पर रह गई। और अगर आप ये बोलेंगे कि मेरी कॉपी, मैंने होमवर्क किया था पर होमवर्क भाग गया घर से, तो टीचर को लगेगा ये कैसा एक्सप्लेनेशन है ना। कोई भी गुस्सा होगा कि इस तरह की चीज़ तो कभी हो ही नहीं सकती, किसी भी चीज़ में पैर कैसे आ जाएंगे, है ना, कि हमारे घरों की चीज़ों में पैर आ जाते हैं और वो भाग जाते हैं अपने आप से, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो ये सारे ही एक्सप्लेनेशन जो फिलिप देता था, चाहे अपने पेरेंट्स को हो चाहे उसके टीचर्स को हो, किसी को भी एक्सप्लेनेशन अच्छे नहीं लगते थे और समझ में भी नहीं आते थे। One day Philip's mom bought him a brand new ruler for him to bring to school. Everyone will need a ruler tomorrow, his teacher had said. His mother was very clear that Philip had better not lose the ruler. अब एक बार फिलिप की जो मॉम थी वो फिलिप के लिए बिल्कुल नया रूलर लेके आए। रूलर का मतलब होता है स्केल, क्योंकि फिलिप की जो टीचर थी उन्होंने बोला था कि हर किसी बच्चे को कल स्कूल में रूलर लेकर के आना है, एक स्केल लेकर के आना है क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए फिलिप की मदर उसके लिए ब्रांड न्यू स्केल लेकर के आई थी। और उसकी मदर ने फिलिप को बड़े ध्यान से समझाया भी था कि इस बार तुम अपना जो रूलर है उसको खोगे नहीं। फिलिप टुक एक्स्ट्रा केयर टू मेक श्योर दैट द रूलर डिड नॉट रन अवे। अब फिलिप ने बहुत
एक्स्ट्रा केयर से ये मेक श्योर किया कि जो उसका स्केल है वो उससे दूर ना भाग जाए. ही टुक अ स्ट्रिंग एंड टाइड वन एंड अराउंड द रूलर. उसने एक धागा लिया और जो स्केल था उसका एक एंड जो था उससे बांध दिया, एंड द अदर एंड अराउंड हिज ड्रेसर. और जो दूसरा एंड था रूलर का उसको बांध दिया ड्रेसर से. ड्रेसर क्या होता है? शीशा, ठीक है, जो जहाँ पर हम अपना कोम करते हैं, तो अलमारी जिसको बोलते हैं हम, है ना, तो ड्रेसर के ऊपर उसको बांध दिया. All night long he kept one eye on the ruler even as he was falling asleep. और सारी रात बिता रहा फिलिप अपनी एक आंख जो थी रूलर के ऊपर गड़ाए रहा. उसको चाहे नींद भी आ रही थी फिर भी उसकी एक आंख जो थी वो स्केल के ऊपर ही थी. फिलिप थॉट ही हैड आउटस्मार्टेड द रूलर बट ही वॉज रॉन्ग. फिलिप को लगा था कि उसने तो रूलर को बेवकूफ बना दिया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. फिलिप गलत था ये बात सोचकर. इट ग्रू आर्म्स एंड लेग्स एंड रैन स्ट्रेट टू द डोर. अब जो स्केल था उसके तो हाथ और पैर दोनों ही आ गए थे और वो जो स्केल था वो सीधे दरवाजे से बाहर भाग गया. द स्प्रिंग स्टॉप्ड इट फ्रॉम गेटिंग आउट. अब जो धागा था जिससे फिलिप ने उसको बांधा था वो थोड़ा सा दिक्कत किया उसको बाहर भागने में, बट फिलिप हैड फॉलन असलीप एंड डिड नॉट नोटिस. पर फिलिप जो था ये सारी चीज़ें नहीं नोटिस कर पाया क्योंकि वो रात में सो गया था. द रूलर यूज इट्स एंड हैंड टू अनटाई द स्ट्रिंग एंड क्रेप्ट आउट द डोर ट्राइंग नॉट टू वेक फिलिप अप. अब ये जो रूलर था इसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया धागे को खोलने के लिए और दरवाजे से होते हुए बाहर भाग गया, सरसराते हुए निकल गया और ऐसा कोशिश करी कि फिलिप जान ना पाए कि वो भाग रहा है. बिकॉज द रूलर वॉज सो टॉल एंड थिन इट हैड ट्रबल कीपिंग इट्स बैलेंस ऑन दी स्टेयर्स एंड इट फेल डाउन हिटिंग एवरी सिंगल स्टेप ऑन दी वे. अब क्योंकि जो स्केल था वो बहुत ज़्यादा पतला था, देखिए कैसा पतला है ना, पतला दुबला सा स्केल है लंबा सा, तो वो बेचारा अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा था स्टेयर्स में और वो गिरते पड़ते सारी स्टेप्स पे गिरते पड़ते आवाज़ करते हुए नीचे गिर रहा था. द वॉइस वॉज लाउड इनफ टू वेक फिलिप अप. अभी जो आवाज़ें थी वो इतनी ज़ोर से थी कि जो फिलिप था वो उठ गया. ही चेज द रूलर ऑल थ्रू द हाउस. और फिलिप जो था उसने उस स्केल को पूरे घर में मतलब उसके पीछे दौड़ा उसको पकड़ने के लिए. द रूलर रैन थ्रू द डाइनिंग रूम एंड फिलिप फॉलोड आफ्टर. जो स्केल था वो डाइनिंग रूम से होते हुए भाग रहा था और जो फिलिप था उसके पीछे पीछे भाग रहा था. इट रैन थ्रू द किचन एंड देन स्ट्रेट आउट द फ्रंट डोर. जो स्केल था वो किचन की तरफ दौड़ा और किचन से सीधे मेन डोर फ्रंट डोर की तरफ से बाहर भागने लगा. फिलिप कॉट इट राइट बिफोर इट रीच द साइड वॉक. और फिलिप ने उसे तब पकड़ा जब वो बिल्कुल साइड वॉक के एकदम पास पहुंच चुका था. साइड वॉक क्या होता है? साइड वॉक होता है जो सड़क के बाहर जो साइड में रास्ता होता है जिसमें पैदल यात्री चलते हैं उसको हम साइड वॉक कहते हैं. गौचा ही सेड. उसने स्केल से बोला पकड़ लिया, देखा मैंने तुम्हें पकड़ लिया. एंड जस्ट लाइक दैट द रूलर स्टॉप ट्राइंग टू रन अवे. और इसी तरह से तुरंत ही जो रूलर था उसने भागने की कोशिश बंद कर दी. फिलिप पुट इट ऑन द ग्राउंड एंड इट हैपली वॉक्ड राइट बैक टू हिज रूम. फिलिप ने उस स्केल को ज़मीन पर रखा और जो स्केल था वो बड़ी खुशी खुशी वापस उसके रूम में चला गया. फिलिप फाइनली अंडरस्टूड व्हाई द रूलर वॉज रनिंग अवे. फिलिप जान गया था कि क्यों रूलर उससे दूर भाग रहा है. इट वॉज प्लेइंग अ गेम, इट जस्ट वॉन्टेड टू हैव सम फन. जो स्केल था वो सिर्फ खेलना चाहता था, ठीक है, और वो कुछ मौज मस्ती करना चाहता था, सिर्फ इसीलिए वो घर से बाहर भाग रहा था. और फिलिप ये बात जान गया था कि उसकी कोई भी चीज़ जो होती थी वो उसके साथ खेलना चाहती होती थी और इसीलिए वो अपने पैर लगा के वो भाग जाती थी. पर क्योंकि फिलिप कोई बात समझ में नहीं आती थी और आधा टाइम फिलिप इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाता था, वो चीज़ें फिलिप के पास से दूर भाग जाती थी. आफ्टर दैट फिलिप फाउंड अ वे टू कीप हिज टॉयज एंटरटेन्ड विदाउट हैविंग देम रन अवे. कुछ समय बाद फिलिप को अच्छे से समझ में आ गया था कि किस तरह से अपने टॉयज़ को एंटरटेन रखना है, खुश रखना है और उनको अपने पास से भागने की कोशिश नहीं करने देनी है. हिज पेरेंट्स नेवर येल्ड एट हिम फॉर लूजिंग थिंग्स एनीमोर. अब उसके पेरेंट्स ने भी उसके ऊपर येल करना यानी चिल्लाना बंद कर दिया था क्योंकि अब वो कोई भी चीज़ नहीं खोता था. बट ओकेजनली दे वुड सी हिम प्लेइंग बोर्ड गेम्स अगेंस्ट द रूलर. पर कभी कभी ओकेजनली कभी कभी जो उसके पेरेंट्स थे वो उसको बोर्ड गेम्स खेलते हुए देखते थे. किसके साथ बैठ के? रूलर यानी स्केल के साथ बैठ करके वो उसको देखा करते थे कि वो स्केल को सामने रखे हुए खुद दूसरी तरफ बैठा है और दोनों बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं. बोर्ड गेम्स का मतलब हो गया जैसे जो बैठ के गेम्स खेलते हैं जैसे चेस, लूडो, स्नेक एंड लैडर, है ना, तो इस तरह के गेम्स वो रूलर के साथ बैठ के खेलते हुए उसके पेरेंट्स जो थे उसे देख लिया करते थे. तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर का एंड. आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी. थैंक यू.